प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित एक पुस्तक का विमोचन रांची प्रेस क्लब में हुआ। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस किताब का विमोचन किया। पुस्तक को विवेकानंद झा ने लिखी है। सरयू राय ने कहा कि लेखक ने अपनी किताब में मोदी के व्यक्तित्व पर ज्यादा फोकस किया है। बाल्यकाल में हिमालय में चले गए थे, हरिद्वार चले गए थे, तो वहाँ पर नीलकंठ नामक स्थान पर महावतार बाबा ने दर्शन दिया था। जब गोधरा कांड के बाद नरसंहार हुआ गुजरात में और प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, मुख्यमंत्री थे, और वे विचलित हुए तो महावतार बाबा ने मार्गदर्शन किया। और आज अब संसद में, जब नई संसद में इन्होंने सेंगोल की स्थापना की, तब भी महावतार बाबा ने ये उम्मीद किया कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से, स्वामी योगानंद जी ने महावतार बाबा के मार्गदर्शन से जिस तरह के काम इस दुनिया में किए, वैसा ही काम नियति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सौंपा है। पुस्तक का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी नो मोर अपोलॉजिस्ट। इसका मतलब है कि पुस्तक में ये दर्शाया गया है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का जो भाग्य विधाता के रूप में हिंदुओं का या सनातनी सभ्यता को दोबारा बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि भारत का 1947 से आज तक नहीं हुआ, इस सबके पीछे एक महापुरुष अर्थात ईश्वर का अवतार, जो कि महाअवतार बाबा जी हैं, जिनका पहली बार जिक्र ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में परमहंस योगानंद जी ने किया था। प्रधानमंत्री जी जो है लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।